चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी 2023 वाली जो वैकेंसी है, इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या रह सकते हैं इंटरव्यू के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये बहुत दिनों से बहुत सारी बार सर्च किया जा रहा है बार बार में, लेकिन बहुत से लोगों ने अभी तक नहीं बताया है। बड़ी बड़ी यूनियन जो कोचिंग चलाते हैं उन्होंने नहीं बताया। मैंने अपने स्तर पर यूट्यूब पर एक सर्वे किया था और टेलीग्राम पे एक सर्वे किया था, उस सर्वे के अनुसार मैं आपके सामने कट ऑफ मार्क्स लेकर के आया हूँ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स, जो पिछली बार की भी हम कंपैरिजन करेंगे और इस बार की कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं क्या रह सकता है। देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है। 18 मई 2024 को जो है एग्ज़ाम हुई थी ज्योग्राफी की, इसमें इंटरव्यू कॉल और फाइनल सिलेक्शन के लिए पिछली बार जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू कॉल कितने नंबर पर हुआ था, देखिए 200 मार्क्स आपके थे जिसमें जनरल पेपर के 50 और 150 नंबर आपके सब्जेक्ट के थे। उसमें जनरल जो था, जनरल कैटेगरी में लगभग लगभग 113.75 यानी कि 114 हम मान सकते हैं राउंड फिगर में 114 कट ऑफ गई थी। और EWS, OBC, ST और MBC इन सभी कैटेगरी में 114 ही कट ऑफ गई थी। सिर्फ SC की कट ऑफ जो है 112.80 यानी कि लगभग 113 गई थी। लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो फाइनल सिलेक्शन के दौरान कट ऑफ में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। 48 सीटों पे वो हुआ था, आपको पता हो तो, भूगोल में 159.24 जी जनरल की रही थी, जिसमें से 46 नंबर जो है वो बढ़े थे, यानी कि जिनके मान लो 114 नंबर आए थे वो इंटरव्यू के लिए गया था तो उसको 46 नंबर और चाहिए थे सिलेक्शन के लिए, जबकि इंटरव्यू सिर्फ 24 मार्क्स का होता है। अब तो आप देख लीजिए, अगर आपके कट ऑफ लास्ट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू की तैयारी में नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपके लगभग कट ऑफ से 20 से 22-25 मार्क्स ज़्यादा है तब आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो 160 लगभग गई थी। EWS की बात करें तो 114 से 143 हो गई थी, लगभग इसमें 29 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि इंटरव्यू कितने नंबर का बताया, 24 नंबर का। OBC में जो है 44 नंबर बढ़े थे, 157.92 गई थी, ये 60 लिखा हुआ है यहाँ पे। और SC की जो है 25 नंबर की बढ़ोतरी हुई थी, इसी तरीके से ST 33 नंबर की बढ़ोतरी होने के बाद 146 ये लास्ट कट ऑफ गई थी फाइनल वाली, और 137 गई थी MBC की। तो इसके बाद मैंने काफ़ी सर्वे किया, ये पुराना है, मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज किया है कि पिछली बार और इस बार की तुलना भी करेंगे हम। इस बार की हम बात करते हैं तो इस बार देखिए मैंने बहुत सारे जो है सर्वे किए हैं, उन सर्वों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ये अनुमानित कट ऑफ जो है यूट्यूब सर्वे और टेलीग्राम, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने किया था, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ ये। और टेलीग्राम पर भी मैंने कई जगह देखा तो उसके आधार पर है। और इस बार जो बड़ी हुई सीट है, 3 गुना बड़ी हुई सीट है, उनको भी हमने ध्यान में रखा है। और 40% वाला जो पिछली बार नियम था इस बार नहीं है, ये बात भी हमने ध्यान में रखा है। और इसके अलावा कंपटीशन का बढ़ता हुआ लेवल, क्योंकि पिछली बार जो है यूट्यूब पर पढ़ाने वाले इतने नहीं थे या कोचिंग इतनी नहीं थी, या कह सकते हैं कि लोगों का मानसिक स्तर इतना नहीं था, क्योंकि किताबों पर ज़्यादा डिपेंड थे, अब नोट्सों पर ज़्यादा डिपेंड रहने लगे हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान है। और पेपर का स्तर भी इस बार जो है पिछली बार की तुलना में थोड़ा बेहतर था, यानी कि हार्ड कह सकते हैं हम, एवरेज से ज़्यादा था पेपर। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने कट ऑफ बनाई है। तो कट ऑफ देखते हैं, सबसे पहले इंटरव्यू कॉल के लिए कितनी रह सकती है। तो इंटरव्यू कॉल के लिए देखिए, जनरल की कट ऑफ 105 से 109 के बीच में रह सकती है। 105 या 109 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू में पहुँचने वाले हैं, ठीक है। पिछली बार की तुलना में ये कम है, इतने नंबर आ रहे हैं तो आप इंटरव्यू में पहुँचने वाले हैं। और EWS की अगर बात करते हैं तो 98 में से 103 यानी कि आपके अराउंड 100 प्रश्न सही हो रहे हैं, 100 नंबर आपके आ रहे हैं तीनों पेपर में मिला के, ठीक है, 200 मार्क्स में से तीनों पेपर में मिला के, तो आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से OBC में देखें, OBC में 104 से 110 के बीच में आपका ये रेशियो रह सकता है। MBC में 100 से 106, SC में 94 में से 99, और ST में ये जो है 96 से 102 के बीच में रह सकता है। ये आपके एक्सपेक्टेड जो है मार्क्स है इंटरव्यू कॉल के लिए। फाइनल सिलेक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, जनरल में 135 पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, 135 से ज़्यादा चाहिए आपको। पिछली बार लगभग 160 था, इस बार 135 से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सीटें भी बड़ी है और पेपर का लेवल भी हम देखते हुए। EWS कैटेगरी की बात करते हैं तो 124 से 121 से 124 के आसपास चाहिए आपको, 121 से तो ऊपर होना ही चाहिए। और OBC की बात करते हैं तो 134 से 139 मार्क्स अगर किसी के आ रहे हैं तो वो श्योर हो सकता है कि भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है। MBC में 130 प्लस, SC और ST में 120, 119,
इतने नंबर अगर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए अगर आपके इंटरव्यू होने के बाद आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है यहाँ पे। तो ये इतने नंबर अगर आपके कैलकुलेट हो रहे हैं, इसमें आप थर्ड पेपर मिलाएंगे और अपना फर्स्ट और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट है, इन तीनों को मिलाकर अगर आपके यहाँ पे एवरेज 25 नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे अगर आपने 40 40 नंबर भी ऐड किए हैं अपने, तो 80 प्लस 25 बराबर 105 प्रश्न होते हैं। और 105 के आसपास भी अगर आपके बैठ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल होगा, लेकिन फाइनल सेलेक्शन के लिए आपको लगभग 110 नंबर चाहिए अपने किस में, सब्जेक्ट में। और अगर यहाँ पे 25 भी आते हैं थर्ड पेपर में तो आपके जो है 135 नंबर होते हैं। तो ये आपको मार्क्स चाहिए। एवरेज हमने बताया कि 25 मार्क्स थर्ड पेपर में, किसी के 30 भी होंगे, किसी के 20 भी होंगे, तो वो क्षतिपूर्ति जो है सब्जेक्ट से की जाएगी। ठीक है, तो ये अनुमानित कट ऑफ थी जो ज्योग्राफी विषय की जा सकती है। उम्मीद है अगर आपके इससे ज़्यादा कम आए हैं नंबर तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि और क्या अनुमानित रह सकती है, आप अपने अनुसार रिव्यू दीजिए। क्योंकि ये जो पेपर देने वाले लोग हैं ये अपना आकलन खुद करने वाले हैं, क्योंकि सभी लगभग लगभग क्रीम लोग हैं, कोई भी कमज़ोर नहीं है किसी से भी। तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं हमको, अगर कोई उतार चढ़ाव है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। थैंक यू।